हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी फ्रेंड्स आज की ये वीडियो लीगल अपडेट है इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिछले हफ्ते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या नई अपडेट आई हैं आज के इस वीडियो में हम पांच ऐसे जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं पहली अपडेट है दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट को हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अपनी ऑथोराइज वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने हिंदी में सात जजमेंट अवेलेबल कराए हैं और इन जजमेंट का ट्रांसलेशन किया है कोर्ट के लिए डिजाइन किए गए ए टूल ने और इस ए टूल का नाम है सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर ये टूल इंग्लिश के अलावा नौ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन कर सकता है दूसरी अपडेट है सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ने एक आत्महत्या के मामले में आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि दोषी ठहराए जाने के पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए थे सुप्रीम कोर्ट ने एक आत्महत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ सबूत न मिलने की वजह ऐसी उन्हें बरी कर दिया क्योंकि दोषी ठहराने के लिए जो पर्याप्त सबूत की जरूरत थी वो नहीं मिले थे उन पर आईपीसी की धारा 306 सौ का आरोप था कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सुसाइड करने के लिए जिम्मेदार बताए बिना आत्महत्या के फैक्ट का उपयोग एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113 ए के तहत अनुमान लगाना और आरोपी को सेक्शन 306 आईपीसी के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए और 306 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था एडवोकेट यशवंत सिन्नोय ने एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा एक जज ने अपने डॉकेट पर केवल 20 केस ही दर्ज कराए इसलिए उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ रिट याचिका दायर कर दी और उनका दावा था कि जहां एक जज दिन में 100-100 केस देखता है और दूसरा जज सिर्फ 20 केस ही क्यों देख रहा है इस याचिका में ये मांग की गई कि कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को एक आदेश जारी करे और कहे कि इस जज के पास केवल 20 केस ही क्यों दर्ज कराए गए क्योंकि उन्हें सभी जजों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए अगली अपडेट है मालेगांव की कोर्ट से एक सड़क दुर्घटना के मामले में दोषी व्यक्ति को मालेगांव की कोर्ट ने सजा के बजाय दो पेड़ लगाने और 21 दिनों के लिए पाँच बार नमाज पढ़ने का आदेश दिया है इस आरोपी को विक्टिम के साथ मारपीट करने और सड़क दुर्घटना में चोट पहुंचाने के लिए गिरफ्तार किया गया था कोर्ट ने कहा कि आरोपी को केवल चेतावनी देना काफी नहीं होगा ऐसी सजा देने से उसे कम से कम ये याद रहेगा कि उसने कोई गलती की है और दोबारा ऐसी गलती करने से बचेगा अगली अपडेट है हरियाणा से रिश्वत मामले में हरियाणा पुलिस के ए को जेल हो गई है हरियाणा के ए को दो में 18 रिश्वत लेते पकड़ा गया था 14 जनवरी 2019 को एक ट्रक के मालिक ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से शिकायत दर्ज की थी और कहा था कि उसने एक ट्रक को छोड़ने के लिए ए ने अठारह हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था उस समय विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर ए को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा था और एस को अब पांच साल की सजा सुनाई गई है तो फ्रेंड्स होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक like, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा